अस्सलाम वालेकुम, अमीन फारूकी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको पाकिस्तान कस्टम में एस इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन के हवाले से बताऊंगा कि किसी भी आम शख्स को अगर एज इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर पाकिस्तान कस्टम्स में अपने आप को रजिस्टर करवाना है तो किन किन मराहिल से या किन किन डॉक्यूमेंट्स की उसको ज़रूरत है। मज़ीद ये भी बताऊंगा कि इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के बिजनेस से मुंसलिक होने के लिए किसी भी शख्स को किन किन मुश्किलात या किन किन मसाइल को फेस करना होगा और एक अच्छे इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर बनने के लिए उनको किन किन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना होगा। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स के साथ साथ एंड तक देखिएगा। नादरीन, पहले तो ये होता था कि वी बॉक्स सिस्टम था। वी बॉक्स सिस्टम में जब कोई शख्स अपने आप को पाकिस्तान कस्टम में एज इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन के लिए आता था तो उसको पर्सनली आना पड़ता था और मज़ीद ये कि तकरीबन 22 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसको सबमिट करनी होती थी, उनकी हार्ड कॉपीज पर्सनली जाके नियरेस्ट कस्टम हाउस स्टेशन जो भी होता था उसमें जाके असिस्टेंट कलेक्टर MIS को वो मिलता था, मिलके वो 22 डॉक्यूमेंट्स देता था। उसके बाद एक लंबा प्रोसीजर था जिसमें तकरीबन कोई 20 से 25 दिन उसको लग जाते थे ये यूज़र आईडी हासिल करने के लिए, अपने आप को एज इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अब हुकूमत पाकिस्तान ने इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर की मज़ीद सहूलत के लिए ये कर दिया कि उस वी बॉक्स सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया पाकिस्तान सिंगल विंडो सिस्टम में। पाकिस्तान सिंगल विंडो सिस्टम का फ़ायदा ये है कि इसमें ऐसी कमोडिटीज़ जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट होती थी जिनमें कुछ रिक्वायरमेंट थी, जैसे PPRO था, प्लांट प्रोटेक्शन रिलीज ऑर्डर लेना होता था क्वारंटाइन डिपार्टमेंट से, तो उसमें ये होता था वी बॉक में तो वो अपनी गुड्स डिक्लेरेशन जो है वो फाइल कर देता था, लेकिन जब वो प्लांट प्रोटेक्शन का इशू आता था तो उसके लिए उसको फिर प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में पर्सनली अपने आप को या किसी शख्स को भेजना पड़ता था, वो जाता था, वो मैनुअली तरीके से वो फिर PPRO लेता था, वहाँ से PPRO ला के वो अपने सिस्टम में ED के साथ उसको अपलोड करता था। तो वो एक लंबा प्रोसीजर था जिसमें 2-4-6 दिन उसके इम्पोर्टर के खाम खामे ज़ाया होते थे। अब पाकिस्तान सिंगल विंडो सिस्टम का ये हुआ है कि इसमें उन्होंने जितने भी ये कंसर्न डिपार्टमेंट थे, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट है, ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसको भी उससे मुंसलिक कर दिया है। इसी तरीके से पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है उसको भी इससे मुंसलिक कर दिया है। उसमें तरीक़ेकार ये है फिर कि जब वो गुड्स डिक्लेरेशन अपनी डालते हैं तो साथ ही ऑनलाइन वो कंसर्न डिपार्टमेंट को, PPRO को या PSQCU को या ड्रैप वालों को भी वो इंटीमेशन दे देते हैं या उनके डॉक्यूमेंट्स लगा कर उनको दे देते हैं कि इसका जो है वो रिलीज ऑर्डर या NOC वगैरह जो भी है वो इशू करते हैं। तो अब PSW में ये है कि किसी भी शख्स को वहाँ पर्सनली जाने की या वहाँ अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, उनके टाइम की भी सेविंग है कि तो अपने ऑफिस में बैठे ही वो ऑनलाइन उसमें वो अप्लाई करें और ऑनलाइन ही वो सिस्टम में उनके पास वो जो है उसकी ड्राइव सर्टिफिकेट या PPRO जो भी उस कमोडिटी पे रिक्वायरमेंट होती है जिस डिपार्टमेंट की भी, वो NOC उनके पास आ जाता है और वो जो कंसर्न कस्टम डिपार्टमेंट है उनके वीबॉक अपना उस सिस्टम में भी आ जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में GD के साथ, वो GD के साथ उसको वेरीफाई करके उसको कर देते हैं। तो इसमें ये है कि आम पब्लिक को भी इसमें अच्छी खासी इस पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशन में सहूलत हो गई है। अच्छा, अब पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि अब आपको वीबॉक में रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर की करवाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान सिंगल विंडो जो वेबसाइट है इस पे आप जाएंगे www.psw.gov.pk, तो इस पे एज इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन आप अपनी करवा सकते हैं। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन को करवाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको क्या क्या मराहिल जो हैं उनसे गुजरना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं ताकि आपको PSW वाले वो आपको यूनिक यूज़र ID जो है वो इशू कर सकें एज इम्पोर्टर और या एक्सपोर्टर आपको रजिस्टर कर सकें। उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो जब आपके पास CNIC है तो CNIC के बेस पे आप ऑनलाइन जाएंगे NTN हासिल करने के लिए FBR की वेबसाइट पे। FBR की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ उनकी जो रिक्वायरमेंट है NTN हासिल करने के लिए, अगर आप ऑलरेडी NTN आपने हासिल किया हुआ है
उस पर आपका इंडिविजुअल का वो है, तो उस इंडिविजुअल के स्टेटस को आप अपना चेंज करवाएंगे, उसको एज इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर आप रजिस्ट्रेशन उसकी होगी, और उसके ऊपर आप ये मेंशन करेंगे अपनी कंपनी का नाम। फर्ज किया आपने पहले आप ऑनलाइन इंडिविजुअल आपका वो था, तो अब आप जो है उसको एज इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपने अपनी फर्म का नाम चूज़ किया है कि जी ABC इंटरप्राइजेज, अब आप ABC इंटरप्राइजेज का वो जो NTN है वो आप लेंगे, उसके ऊपर आपका स्टेटस जो है वो इंडिविजुअल से चेंज होगा वो इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर। अच्छा, इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं इम्पोर्टर की भी। इम्पोर्टर में एक होता है कमर्शियल इम्पोर्टर, एक होता है इंडस्ट्रियल इम्पोर्टर या मैन्युफैक्चरर। अब आप जाहिर है कि ये चाह रहे हैं कि जी मैं बाहर से चीज़ें मंगवाऊँ और मंगवा के डायरेक्ट एज इट इज़ बेच दूँ, और इसी तरह मैं यहाँ से चीज़ें जो है अपनी कुछ खरीदूँ मार्केट से और ले के वो मैं बाहर एज इट इज़ बेच दूँ और वहीं पर वो बिक जाए किसी यूरोपियन कंट्री में या कहीं पर भी। तो उसका तरीकेकार ये है कि आपको फिर वो NTN में मेंशन करना पड़ेगा एज स्टेटस अपना एज कमर्शियल इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। अगर आप इंडस्ट्री हैं, आपकी यहाँ पे फैक्ट्री है, आप कोई रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, या यहाँ से आप जो है कोई गारमेंट फैक्ट्री है आपकी, उसका स्टेटस आपका मैन्युफैक्चरर है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी, तो फिर आपको स्टेटस उसका बनाना पड़ेगा एज मैन्युफैक्चरर। अगर जस्ट आपने वहाँ से माल इंपोर्ट करना है या आपने यहाँ से जस्ट मार्केट लोकल मार्केट से परचेज करना है, परचेज करके आपने बाहर उसको एक्सपोर्ट करना है, तो फिर आप कहलाएंगे कमर्शियल इंपोर्टर या कमर्शियल एक्सपोर्टर। तो अब कमर्शियल इंपोर्टर के बेस पे हम चलते हैं। तो कमर्शियल इंपोर्टर के लिए ये है कि आप अपना NTN के अंदर उसके ABC इंटरप्राइजेस के साथ अपना इंडिविजुअल को चेंज करवा के आप करवाएंगे अपना कमर्शियल इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। अच्छा जी, जब ये NTN के अंदर आपका स्टेटस ये चेंज हो जाएगा, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या आप पर्सनली भी जाके वहाँ नियरेस्ट जो भी आपका रीजनल टैक्स ऑफिस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वहाँ जाके अपना आप करवा सकते हैं। जब वो हो जाएगा तो फिर आप अपना जो है ऑनलाइन PSW की जो मैंने वेबसाइट आपको बताई है www.psw.gov.pk, इस पे आप जाएंगे अपने आप को सब्सक्राइब या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। उनकी सर्टन चंद एक रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट तो उनकी ये है कि जी आपके पास CNAC होना चाहिए। CNAC आप स्कैन करके लगाएंगे, जो NTN है वो आप मेंशन करेंगे, वो PSW वाले NTN ऑनलाइन भी कुमकुम से मुंसलिक है, वो NTN डिपार्टमेंट भी वो उससे वो आपका वो कर लेंगे। मजीद ये कि आपको पाकिस्तान में किसी भी कमर्शियल बैंक में फॉरन करंसी अकाउंट भी करवाना होगा, वो भी ये वेरीफाई कर लेंगे PSW वाले, वो भी ऑनलाइन बैंकों के साथ मुंसलिक है। PSW सिस्टम वो पुराना सिस्टम ख़त्म हो गया, अगर चक्कर लगाते थे या वेरीफिकेशन करते थे वो भी ख़त्म हो गया। प्लस इसकी जो है 500 रुपया सब्सक्रिप्शन फीस है, वो 500 रुपया भी आप ऑनलाइन भर के उसकी जो स्लिप है पेमेंट स्लिप वो आप साथ लगाएंगे, वो आप उसको सबमिट कर देंगे कॉपी एप्लीकेशन की अपनी फॉर रजिस्ट्रेशन एज इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर इन PSW पाकिस्तान सिंगल विंडो के अंदर पाकिस्तान कस्टम्स का के लिए। अच्छा जी, कुछ दिनों के बाद आपको जो है वहां से ईमेल आ जाएगी। ईमेल आएगी अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जी, वो आपको फिर बुलाएंगे वहां पे अपने ऑफिस में, जो भी आपका नियरेस्ट ऑफिस है वहां पे होगा कंसर्न्ड ऑफिस PSW का, वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए आपको बुलाएंगे। आप बायोमेट्रिक सिस्टम वहाँ जाएंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, वो आपका वो बायोमेट्रिक सिस्टम से आपके थंब इम्प्रेशन वगैरह वो ले लेंगे सारे। लेने के बाद वो आप जैसे आएंगे अपने पास, तो वो आपको एक यूनिक यूज़र आईडी इशू कर देंगे फॉर 1 ईयर। 1 ईयर तक इस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई इम्पोर्टर की और एक्सपोर्टर की। अच्छा, अब 1 साल के तक तो ये वैलिड है, 1 साल के बाद फिर आपने रिन्यू करवाना, फिर आप 500 फीस उनकी सब्सक्रिप्शन फीस देंगे। सब्सक्रिप्शन फीस जैसी वो चली जाएगी तो उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली फिर आपको थंब इम्प्रेशन के लिए वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए जाना पड़ेगा, और इसी तरीके से वो आपको हो जाएगी। यानी कि PSW में अब काफ़ी ईजी सिस्टम हो गया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रिवोक सिस्टम, जिसमें काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते थे, 22 के करीब आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते थे। वो सिस्टम अब जो है गवर्नमेंट ने PSW में मुंसलिक करके कन्वर्ट करके तो अपने इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए सहूलत के लिए बहुत इजी कर दिया है। ये तो नाज़रीन हो गया यूज़र आईडी या अपने आप को एज इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीके का। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने रजिस्ट्रेशन तो करवा ली, अब आपको किसी मुल्क से इम्पोर्ट करना है और फिर इसको लोकल मार्केट में आपने बेचना है,
तो इसमें क्या क्या मसाइल और क्या क्या चीज़ें वो आएंगी वो मैं अपने तजर्बे की रोशनी में आपको उसके बारे में बताता हूँ। नाज़रीन, जब रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी यहाँ पे PSW में, पाकिस्तान कस्टम्स में, तो उसके बाद फिर आपको जो सबसे पहले चीज़ देखनी है कि जी मुझे एज इम्पोर्टर क्या चीज़ मंगवानी है पाकिस्तान में, आपको सबसे पहले अपनी लोकल मार्केट में वर्किंग करनी होगी कि जनाब लोकल मार्केट जो है इस वक्त, फ़र्ज़ किया आपका ताल्लुक अगर लाहौर से है या आप लाहौर में या फैसलाबाद में या मुल्तान में या कराची में, जिस भी शहर में आप अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लोकल मार्केट में सबसे पहले अच्छी खासी मेहनत करनी होगी। आपको ये करना होगा कि ये मैं फलां आइटम जो मंगवा रहा हूँ, ये मंगवाने के लिए मेरे आपके पास अथेंटिक जो है वो बायर होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे वक्त में मैं हमने देखा है या हमें लोगों ने बताया है कि जनाब बाहर से एक नया आदमी जब जाता है बाहर, तो बाहर से वो मार्केट से सामान तो चाइना से परचेज करके कंटेनर या दो कंटेनर ले आता है, जब मार्केट में लाता है तो उससे उसके सामान आने से पहले पाकिस्तान में उसकी कन्फाइनमेंट आने से पहले यहाँ की जो लोकल मार्केट के जो लोकल वायर हैं वो बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जनाब हम ये आपका ले लेंगे, ये बिल्कुल ले लेंगे, इस पे ले लेंगे, इस रेट्स पे ले लेंगे, आपने अपनी कैलकुलेशन की होती है। तो जब आपका माल यहाँ मार्केट में आ जाता है, आपने कैलकुलेशन की होती है कि फ़र्ज़ किया एक चीज़ मैं जो है वो 100 रुपये की बेचूंगा तो मुझे चलें जी उसमें जो है 3 रुपये या 4 रुपये फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन जब आप मार्केट में लाते हैं तो पता ये चलता है कि जी वो कह रहा है ठीक है साहब वो 100 रुपये का, तो उस वक्त था आपने एक महीना पहले बात की थी, ज़ाहिर है 25-28 दिन आपके यहाँ गुड्स पहुँचने में भी लगते हैं, 2-4 दिन ऊपर क्लियरेंस में भी लगते हैं, फिर आप अपना बाई रोड अपना कराची से बाई सी जो कंटेनर आता है उसको आप लेके लाहौर या पेशावर जाते 4-5 दिन, यानी कि वो 1.25 महीने का प्रोसेस है, 1.25 महीने के बाद जब आप उसके पास बेचने जाते हैं तो वो कहता है साहब अभी तो मार्केट बड़ी गिर गई है और तो है ही नहीं है, बायर ही नहीं है ये वो, मैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 75% का ले लूँगा, वो भी आपकी वजह से, अदरवाइज तो मुझे तो 70-65 रुपये में भी लोग दे रहे हैं। अब इशू ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट फंस गई, अब आपने 2 कंटेनर मंगवाए हुए, 2 कंटेनर मंगवाने के लिए ज़ाहिर आपको कोई वेयर हाउस भी लेना पड़ेगा जहाँ पे आप ये पूरे 2 कंटेनर या 1 कंटेनर का माल रखें, उसके रखेंगे उसके भी आपको चार्जेस देने या उसके चार्जेस देने, तो साथ उसके लिए कोई गार्ड भी आपको सिक्योरिटी गार्ड भी रखना उसके भी चार्ज, अब आपके जो वो है एक्सपेंसिव वो शुरू हो गए। अब मार्केट में आप बार बार जा रहे हैं, अब मार्केट के अंदर लोकल मार्केट में एक आवाज़ आ गई कि जनाब ABC इंटरप्राइज ने वो चीज़ें मंगवाई थी तो वो ज़ाहिर उसने बेचनी तो है, थोड़ा सा रुके रहो, आपस में भी उनका वो होता है, वो पता चीज़ चलता है कि जी आप कहते हैं 75% तो यार बहुत नीचे है, दूसरों के पास जाते हैं वो 65 या 60 रुपीज़ की वो आपको ऑफ़र देता है, तो लाम वाला आखिरी ये कार ये होता है कि आप 75% में ही वो चीज़ बेच के तो आप अपना साइड पकड़ लेते हैं, फिर अब दोबारा आप उसमें फील्ड में नहीं आते। उसका तरीका दूसरा ये उसमें इशू होता है कि उसी चीज़ को मंगवाने वाले कुछ और लोग भी हैं जो कि चाइना से वो मंगवा रहे हैं, अच्छा वो 10-10, 20-20 साल से इस फील्ड में हैं, 10-10, 20-20 साल से ये चीज़ें वो मंगवा रहे हैं, मंगवाने के बाद यहाँ पे वो उसको 75 में भी बेच सकते हैं, आपको जो है वो 75 में बिल्कुल नहीं वो करेगा, चूँकि आपने मंगवाए हैं 2 कंटेनर, वो 20 साल से काम कर रहा है उसकी उस इम्पोर्टर से उस सप्लायर से जो चाइना में बैठा हुआ है जो चीज़ें बना के दे रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ कंपनी वाला जो उसको बेच रहा है, उससे भी 20 साल से उसका एक बिजनेस रिलेशनशिप डेवलपमेंट हो जो डेवलप हो चुकी है और यहाँ जो लोकल मार्केट है वहाँ भी हो चुकी है, वहाँ से वो 20 कंटेनर के बाद बात ऐसे भी होता है उनकी, क्योंकि 20-20 साल 15-15 साल से उनकी रफाकत होती है, बिजनेस फ्रेंडशिप होती है उनकी, उनको फ्री में भी 90 डेज 60 डेज के ऊपर वो जो है विदाउट एनी इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट पर वो सामान दे देते हैं, या जब वो मार्केट पे आता है तो मार्केट में भी वो 60 डेज के या 30 डेज के क्रेडिट पे वो चीज़ें अपनी बेच देता है, उसके पास बड़ा हुआ है और उसको जब वहाँ पे वो 20 कंटेनर वो ख़रीद रहा होता है या वो नेट पेमेंट पे वो ले रहा होता है तो उसको जो है क्वांटिटी डिस्काउंट भी जो है वो मिल जाता है। अब आप 1 कंटेनर लेने जा रहे हैं तो वो आपको दे रहा है जी 1 कंटेनर जो है वो 90 रुपीज़ का, वो 20 कंटेनर लेने जा रहा है तो उसे वो भी कैश दे रहा है, आप भी कैश दे रहे हैं, आप 1 कंटेनर के दे रहे हैं 90 रुपीज़, वो 20 कंटेनर के उसको पेमेंट दे रहा है तो उसको वो क्वांटिटी डिस्काउंट दे देता है, जी आप 80 पे ले लें, 85 पे ले लें, इवन के आप 75 पे भी आप ले लें। अब आपने परचेज़ किया महंगी, उसने परचेज़ किया सस्ती, बीइंग अ क्वांटिटी डिस्काउंट के वो अच्छी खासी उसके पास क्वांटिटी है, वो लेके यहाँ पे आ जाता है,
अब आप वहां पे कह रहे हैं कि यार मुझे 95 पे तो खुद पड़ा है, मैं इसको कैसे मतलब ये कि कम पे बेच दूं। उसने चूंकि खरीदा ही कम पे है 80 पे, 85 पे, 86, 87 पे भी उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है यहाँ पे कैश पेमेंट पे। क्रेडिट की जहां तक बात है, उसके पास होल्डिंग पावर भी होती है, प्लस उसकी पोजिशन भी जाहिर है, वो 20 साल पुराना इंपोर्टर है, तो वो आपकी निस्बत जो है वो मार्केट में क्रेडिट पे भी सामान दे देता है। अब आपको ये करना है कि जब आप इंपोर्टर बने, फ्रेश इंपोर्टर, तो जाहिर है इंसान जो है वो जल्दी हिम्मत भी हार जाता है, तो उसका तरीकेकार ये है कि सबसे पहले तो आप यहाँ लोकल मार्केट में देखेंगे जी, आपके जो बंदे हैं जिनसे आप बात करें, उनसे आप ये कहें कि जनाब ये जो मैं बात आज कर रहा हूँ, ये माल आपको मैं दूंगा 2 महीने या 2.5 महीने के बाद। नंबर वन, उनसे आप तय कर लें, वो बिल्कुल सॉलिड बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब बाहर आप जाएं, आपको पर्सनली विजिट करना पड़ेगा फर्ज की चाइना वगैरह में, तो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की एक ही आइटम की मुख्तलिफ शहरों में बेशुमार वहाँ फैक्ट्रीज हैं। वहाँ पे आप जब आप जाएंगे, वहाँ जाके उनसे बारगेनिंग करेंगे और टाइम वहाँ पे अपना कंज्यूम करेंगे इस पर्पज़ के लिए, तो आपको अच्छा खासा वहाँ से भी डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। और सेकेंडली ये कि यहाँ पे भी आप जो है उसको थोड़े थोड़े मार्जिन पे आप जो है अपने आप को, चूंकि आपने इंडक्ट करना है लोकल मार्केट में और बाहर के उसमें भी, तो आपको थोड़े मार्जिन पे जो है अपने आपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। आप ये ना देखेंगे यार मैंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, मुझे कम से कम इसमें 5 रुपए तो बचने चाहिए ना। मैं मकसद ये कि वो दूसरा आदमी जो है वो 20 कंटेनर महीने के वो रोलिंग कर रहा है, 3 महीने वो 60 कंटेनर कर रहा है, आप 3 महीने में जो है 2 कंटेनर के हिसाब से 6 कंटेनर वो कर रहे हैं। तो इस क्वांटिटी को, इस चीज़ों को, इस पोजीशन को भी आपने मद्देनजर रखना है, तो इसी तरह आप लोकल मार्केट में कम्पीट इंशाल्लाह कर पाएंगे। ये चीज़ तो हो गई इंपोर्ट के हवाले से, अब मैं एक्सपोर्ट के हवाले से आपको बताता हूँ। एक्सपोर्ट के हवाले से ये है कि बहुत सारे मालिक का मैंने अभी पिछले कुछ महीनों में विजिट किया, अब जैसे कनाडा, अमेरिका या यूरोप वगैरह, तो वहाँ मैंने ये देखा कि जी जैसे कनाडा की मैं मिसाल देता हूँ, वहाँ पे एक इकबाल स्टोर के नाम से एक है देसी स्टोर, दुनिया की बेशुमार चीज़ें वहाँ पे हैं, हर किस्म की एडिबल प्रोडक्ट्स। तो मैंने देखा कि वहाँ पे 99% जो है वो इंडियन या बांग्लादेशी ओरिजिन गुड्स थी, पाकिस्तानी नहीं थी। खैर वो जाता रहा, मैं 2-4 दफ़ा गया, तो फिर मैंने जाके वहाँ की उनकी मैनेजमेंट से बात की, मैंने कहा यार ये पाकिस्तानी मांस व रूह अफ़ज़ा शरबत के मुझे और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसकी रीज़न क्या, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो इंडियन ओरिजिन या ये बांग्लादेशी ओरिजिन है। तो उनकी मैनेजमेंट ने बताया कि साहब बात असल में यह है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी इशू या प्रॉब्लम ये है कि जब ये फर्स्ट कंसाइनमेंट अपनी बेचते हैं, ये एज पर एग्रीमेंट या हमारी रिक्वायरमेंट या हमारी एज पर डिस्कशन जो है उसके मुताबिक ये बेचते हैं, सेकंड या थर्ड कंसाइनमेंट जब इनके आती तो क्वालिटी वाइज बिल्कुल ये ज़ीरो होती है, वो चीज़ नहीं होती जो कि हमारी वो होती है। लेकिन इसके मुकाबले में जब इंडियन से हम बात करते हैं, जब एक दफ़ा बात कर ली तो 10 साल तक उनकी गुड्स एज इट इज़ ही आती हैं जो हमारे उनसे एग्रीमेंट हुआ होता है। यही पोजीशन जो है उन्होंने कहा कि साहब ये बांग्लादेश वालों की भी, वो भी हमारे से वो है, इस वजह से हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को मांस व रूह अफ़ज़ा के कहेंगे कि बाहर यही कंपनी है पाकिस्तान की जो कि ठीक चलती है, तो इस वजह से हम इसको चला रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं। तो आपको ये करना है कि जी आप अगर खुद यहाँ से वो चीज़ें जो आपका बाहर किसी एक्सपोर्टर जहाँ एक्सपोर्ट करना आप चाह रहे हैं, वहाँ पे किसी कंट्री में जो भी आपका बायर है वहाँ पे, जो उसके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ, आप अपना क्वालिटी पे बिल्कुल किसी किस्म का भी कोई पाकिस्तान में भेजते वक्त समझौता ना करें, एक एक कार्टन को, एक एक कंसाइनमेंट को आप खुद पर्सनली चेक करें। उसकी वजह ये है कि जब आप जाते हैं वहाँ पे, फर्ज किया आपने एक कंटेनर लोड करना, तो उसमें 1200 कार्टन जो है वो फर्ज किया गारमेंट आप भेज रहे हैं, ठीक है, बेबी गारमेंट आप भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या बेडशीट्स भेज रहे हैं आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी जो 10-20 आप उनको रेंडमली चेक करते हैं, वो 10-20 ठीक होते हैं, बाकी पता चला जी 1200 में से जो है 1000 या 800 जो वो है वो उस कैटेगरी के नहीं है, वो ए कैटेगरी की आपकी, जैसे बात हुई अपने वहाँ एक्सपोर्टर से जिसने आपसे वो चीज़ें खरीदनी है बाहर के ममालिक में, तो वो दूसरी चीज़ें उसकी वो नहीं है। तो उसका रिजल्ट ये होता है जब यहाँ से गुड्स जाती हैं वहाँ जाके, बहुत सारी हमने देखी है कि वापस वो आती हैं, मसला क्या हुआ जी, मसला जी क्वालिटी जो है वो मेंटेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो इनका ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो इन चीज़ों को आपने वो मलूज़े खातर रखना है। तो उम्मीद है कि नाज़रीन मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप मेरे इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह आपका व हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।